अऊज़ बिल्लाह रिश्तान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 510 के क्विज़ 1 का सलूशन, जो कि 100% करेक्ट है और तमाम क्वेश्चंस के आंसर हैंडआउट से वेरीफाइड है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये करंट क्विज़ की वीडियो है और इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपके क्विज़ की प्रिपरेशन हो जाएगी और यही वाले एमसीक्यूज़ आपके क्विज़ में भी रिपीट होंगे। वीडियो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड डैश लिंग्विस्टिक। कॉन्टैक्ट, डायक्रॉनिक, डिस्क्रिप्टिव, सिंक्रोनिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉन्टैक्ट। MCQ 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलिंग्विस्ट हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द इंटरनल सोशल कॉग्निटिव एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स विच ड्राइव लिंग्विस्टिक्स चेंज। पैटर टेलर, पैटर हार्वर्ड, पैटर ट्रडगिल, विलियम लैबफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विलियम लैबफ। वट डज IPA स्टैंड फॉर, ये एब्रीवेशन बतानी है। IPA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिंग्विस्टिक इज अ डैश डिसिप्लिन, प्रस्पेक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्क्रिप्टिव। इन ओल्ड इंग्लिश डैश रेफर टू अ यंग मैन एंड वुमेन बोथ, मैन, गर्ल, वुमेन, फीमेल। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, गर्ल। द स्पीच हैबिट्स स्पीक क्लियर टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज डैश लैंग्वेज, डायलैक्ट, आइसोग्लॉस, idiolect। ऑप्शन डी इज करेक्ट, idiolect। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन डील विद द लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, डायलॉजिकल, डायक्रोनिक, प्रैग्मेटिक, सिंक्रोनिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायक्रोनिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन इन बलोचिस्तान, मल्टीपल, 2, 3, 1। वैसे ही वहाँ पे उन्होंने 5 लैंग्वेजेस बताई हुई थी और पहले उसके बारे में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि बलूचिस्तान में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मल्टीपल ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एंड डेलीबरेट इंटरवेंशन बाय सोसाइटी, डायलैक्ट, वर्निकुलर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वैरायटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। Which of the following is the national language of Pakistan? As we know, our national language is Urdu. Option D is correct. Diagram based on the wave model was originally presented by Noam Chomsky, Johnson Schmidt, David Kristol, William Labov. Option B is correct, John Schmidt. A typical standard language passes through the process of selection, codification, dash of function and acceptance. Option D is correct, elaboration. The dash allows a very important prediction to be made regarding isoglosses, namely that they should not intersect. Wave model, free variation model, Kajru's model, family tree model. Option D is correct, family tree model. Distinction between language and dialect is an influence of dash culture. Greek, Roman, Western, European. Option A is correct, Greek. The scientific study of linguistic dialect is called phonology, morphology, dialectology, sociology. Option C is correct, dialectology. Which of the following language is used in district Hazara? District Hazara में कौन सी language use होती है? Sindhi, Pashto, Hindko, Punjabi. Option C is correct, Hindko. A dash study of language maps the shift, fractures and changes of languages over the centuries. Semantic, synchronic, diachronic, pragmatic. Option C is correct, diachronic. Language and social interaction have dash relationship. Unequal, reciprocal, no one-sided. Option B is correct, reciprocal. The study of language contact is called dash linguistic, contact linguistic. The term dialectology comes from Greek dialectos, which means dash, and Logia, that means scientific study, scientific study, variety, write, language, talk. तो इसका जो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टॉक। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ये आज की वीडियो थी, इसमें तमाम बताए जाने वाले जो आंसर्स थे वो 100% करेक्ट थे, और इसमें जो रिपीट हो रहे थे एमसीक्यूज, ये बेसिकली 3 स्टूडेंट्स का क्विज था, इसमें जो रिपीट होने वाले एमसीक्यूज थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्विज में भी आएंगे और आपको 100% आंसर्स भी उनके पता होंगे।